मनाली यार एक ऐसी जगह है ना जहां मन के साथ साथ दिल भी लग जाता है। बट जब मैं अंदर गया ना तो अलग ही तरह की एक वाइब ने मुझे हिट किया। तो अगर हम हिडम्बा देवी की कहानी की बात करें तो गाइस मंदिर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे घड़ोत्कच मंदिर भी है। तो अगर हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज 22 अप्रैल हो गए तो अभी अप्रॉक्स 7 बज रहा है सुबह का। आज थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज पास में जाना है। और आपको याद होगा ये रास्ता नीम से कलम में आए थे जब हम वहाँ गए थे ना नील मिल और डिस्क वैली। तो ये रास्ता मनु टेम्पल वाला भी आ गया, उससे पहले जिन्हें मनु टेम्पल गए थे। अगर आप लोगों को वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज हम जा रहे हैं हिडम्बा टेम्पल जो कि अप्रॉक्स यहाँ से आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है, पैदल 2 किलोमीटर दिखा रहा है। तो जो यंग मंग हॉस्टल है वहाँ से 2 रास्ते हैं, तो एक नीचे को उतर जाओ, एक इधर से आ जाओ गाँव से नीचे घूम के फिर नीचे उतर जाओ। तो मुझे लगा कभी हाइक हो जाएगी तो लंबा वाला रास्ता ले लिया। तो भाई सी हम आ गए हैं नीचे ओल्ड मनाली वाले पुल पे, यहीं से हिडम्बा टेम्पल का रास्ता आता है। पूरा गीला है, कल पूरी बारिश हुई थी दिन भर, खतरनाक एकदम वेदर। और ये है रास्ता इसके राइट हैंड साइड से जैसे आप जाते हो तो थोड़ा सा हाइक है, चलते हैं ऊपर की ओर। तो भाई यहाँ से एकदम से मेन रोड स्टार्ट हो गई है। मैंने अभी किसी से पूछा था यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। तो गाइस थोड़ी सी मेन रोड में चलने के जहाँ पर आपको एक बोर्ड दिख जाएगा ऐसे करके माता हिडम्बा टेम्पल, तो आपको ये वाला रास्ता पकड़ लेना है। यहाँ पर दुकानें वगैरह भी हैं रास्ते में अगर आपको कुछ लेना वगैरह है, खाना वगैरह है तो। सो गाइस थोड़ा सा और आगे चल के यहाँ पर डेड एंड आ जाता है, यहाँ पर पार्किंग है बेसिकली। और यहाँ से छोटी सी हाइक स्टार्ट होती है तो सीधे टेम्पल की ओर जाती है। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड तो नहीं है, बट जब मैं अंदर गया ना तो अलग ही तरह की एक वाइब ने मुझे हिट किया। और मैं तकरीबन 15-20 मिनट ना वहाँ बैठे रहा, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो गुफा है मंदिर के अंदर, एक गुफा है बेसिकली, तो वहाँ पे हिडम्बा देवी ने मेडिटेशन किया था। तो अगर हम हिडम्बा देवी की कहानी की बात करें तो महाभारत के टाइम में जब भीम यहाँ पर अज्ञातवास में आए थे तो ऐसा माना जाता है कि भीम ने इनके भाई को युद्ध में हराया था। और उस टाइम पे ऐसी इनकी रीति रिवाज थे कि अगर उनके भाई को जो भी हराएगा तो वो इनसे शादी कर पाएगा। तो भीम की इनसे शादी हुई थी और इनका पुत्र भी हुआ घटोत्कच। तो ये है हिडम्बा देवी माता की कहानी और बहुत पुरानी बात है। और बाकी ये मंदिर आप देख सकते हो, ये मंदिर जो पड़ता है ये डुगरी वन बिहार के अंदर पड़ता है। तो अगर आप इधर साइड रह रहे हो तो आप डेली यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हो, बहुत पीसफुल एरिया है। और मंदिर के अंदर की वाइब्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही साथ में अगर आपको वॉक करनी है तो फॉरेस्ट की साइड भी ऐसे करके आ सकते हो, बहुत बड़ा एरिया है। सो गाइस मंदिर से थोड़ा सा राइट लेके ना घटोत्कच मंदिर भी है, बिल्कुल बगल में ही है, तो वहाँ भी चलते हैं। तो अगर आप लोग 7:30 के बीच में आओगे ना तो यहाँ पे आरती भी आपको देखने को मिल जाएगी, वो जो कि एक अच्छा पॉइंट है। तो बेसिकली यहाँ पे जो गुफा है मैंने बताया था जैसे कि उसके अंदर जो है माता ने मेडिटेशन किया था। तो अगर आपको मेडिटेशन वगैरह करना पसंद है या मेडिटेशन करते हैं आप, तो आप अंदर मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करोगे ना तो आपको एक अलग वाइब टच होने वाली है। मैंने तो थोड़ा बहुत बैठ के मेडिटेशन किया था तो अच्छा फील हुआ था, एक मतलब कनेक्टिंग सा लगा था। तो अभी चलते हैं थोड़ा घटोत्कच मंदिर भी देख लेते हैं। सो गाइस मंदिर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर घटोत्कच मंदिर भी है। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो हिडम्बा देवी टेम्पल तो उनके पुत्र घटोत्कच
जी के मंदिर पे जरूर आना, बिल्कुल बगल में ही है। सो गाइस मंदिर के दर्शन करने के बाद तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस हॉस्टल, बिकॉज अभी ऑफिस ज्वाइन करना, आज फ्राइडे है। और आपको कैसा लगा ये टेम्पल मुझे ज़रूर बताना, अगर आप लोग पहले आए हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हिस्ट्री वगैरह आपको कुछ और जाननी है तो मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा, आप रोक के देख लेना। अगर बहुत डिटेलिंग चाहिए आपको कि कैसे हुआ था क्या हुआ था, सारी डिटेल वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और अभी चलता हूँ वापस अपने हॉस्टल। Thank you.